नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में करंट लगने से एक कर्मचारी की हुई मौत। पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर वन बनेगा उत्तराखंड। गुरु नानक शिक्षा समिति रजिस्टर्ड मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। सेवानिवृत्ति के बाद ईस्टर इंडस्ट्रीज के प्रबंधक रविंद्र चंद्र शर्मा की धूमधाम से की गई विदाई। दिल्ली में आयोजित हुई बैठक, सीएम धामी भी रहे मौजूद। कार से कुचलकर तीन लोगों की हुई मौत। 25,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लोहाघाट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। जानलेवा बना रेगुलर चौमेल रिंक मोटरमार्ग। मगरमच्छ के हमले से वनकर्मी हुआ गंभीर रूप से घायल। बरसात को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। छात्राओं के लापता मामले को धार्मिक रंग न दे भाजपा, पुलिस को करने दे उसका काम, बोले सुमित। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की दोपहर ग्राम छोई क्षेत्र में बिजली के तारों में चिंगारी निकलने की शिकायत पर ठेकेदार का कर्मचारी सतपाल गिरी, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम खुशालपुर ग्राम छोई में स्थित समसारा रिजॉर्ट के समीप पहुंचा था। इसी बीच बताया जाता है कि बिजली लाइन चेक करने के दौरान वहां लगी लोहे की ग्रिल में करंट आने के चलते सतपाल बिजली के करंट की चपेट में आ गया। साथ ही मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लैंडलाइन था ये, कभी कुछ ही टाइम हुआ है सर, लगा रखे अभी रखे हुए कुछ ही टाइम होता है। और गोपाल लैंडलाइन के साथ था इसमें पार्टी में। और अभी मैं अभी अभी मैं भी अभी आया हूँ, तो इन्होंने बताया कि शिकायत वहाँ पे किसी के फोन आया था गोपाल के पास, तो उसकी शिकायत दूर करने के लिए गए थे। और थोड़ी सी देर में मेरे को फोन आया था कि इसको करंट लग गया। और मैं काला डूंगी बता, तो काला डूंगी से आते आते अभी तो पता चला कि इसकी डेट किसी पोल पे चढ़ा। पोल पे तो नहीं चढ़ा था, कह रहे थे नीचे ही था ये। तो मैंने उसका गोपाल से फ़ोन करा कि पोल पर लगाया, सिट डाउन लिया था नहीं लिया था, कहते सिट डाउन से नहीं लिया था। और जैसे करंट लगा तो ठीक हो गया, फोन आया था कि आवाज़ आ रही है पोल पे। प्रदेश के लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी पत्नी अमृता रावत के साथ मंगलवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के द्वारा महाराज का भव्य स्वागत किया गया। सतपाल महाराज ने लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एबट माउंट व कोलीढेक झील का निरीक्षण किया। कोलीढेक झील में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं न होने पर सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई तथा जल्द से जल्द झील में पर्यटकों के लिए शौचालय, पेड रेस्टोरों व अन्य सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा उनका उद्देश्य उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर वन बनाना है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पर्यटन बढ़ता जा रहा है, आदि कैलाश और ओम पर्वत का हम लोग गए हैं और उसके बाद ओल्ड डिपो लेक पास तक होके आए हैं जो 17,800 फीट के ऊपर है। तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र में बड़ी अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, और हम यहाँ देखने आए कुछ यहाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ और कुछ खामियाँ यहाँ दिखा देखने को मिली हैं, उनको भी हम दूर करेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ जनमानस की जो भावना है, मुझे प्रतिवेदन दिया गया है उस पर परीक्षण करा के उस पर काम करवाएंगे। टूरिज्म की बड़ी संभावना है जिसको आगे लाना है, और निश्चित रूप में क्षेत्र का भी सहयोग चाहिए। जो यहाँ लोकल व्यंजन है वो होटलों में परोसा जाए, जो मिलेट्स है और मोटा अनाज है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है और लोग उसे पसंद करेंगे। इसके साथ साथ एबट माउंट हम देख के आए, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो टूटती जा रही हैं और वहाँ चर्च भी वीरान पड़ा हुआ है। तो जो हमारी संपत्ति है पर्यटन की, उसको हम निश्चित रूप में लेंगे, उसका सुधार करेंगे, और वहाँ पर जो हट्स है उनको रेनोवेट होना है उसको भी करेंगे, और वहाँ पर और भी टूरिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर जो है संपन्न करेंगे। उसमें लोग कैंपिंग ग्राउंड्स में जाते हैं, ट्रेनिंग देने का हमारी योजना है, और हम चाहते हैं कि ये सब काम करें। और हम खास करके होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो होम स्टे के लिए जो युवा है वो आए। 143 की उसमें समस्या थी, वो अब दूर हो गई है। 143 की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं सबसे यही कहूंगा भाई होम स्टे करें, अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त करें, तो होम स्टे बहुत जरूरी है। उसमें हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पैराग्लाइडिंग बहुत सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई हादसा हो जाए तो सीधे आपको पता है कि कोर्ट इंटरवीन करता है और उस पर रोक लगा देता है, तो बड़ा सेंसिटिव इशू है। और हमने जो और भी जहां स्थान है वहां पर भी हमने पैराग्लाइडिंग की बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी बनी हुई है, तो निश्चित रूप में परीक्षण करा करके
और उस काम को किया जाए। श्री गुरु नानक शिक्षा समिति रजिस्टर्ड रुद्रपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंधक पर लगाए गए 32 लाख के चेकों के माध्यम से गबन के आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरफा खबर चलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कोषाध्यक्ष पर जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई। प्रबंधक द्वारा बताया गया कि यदि कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो वह अपने सभी पदों से त्यागपत्र देने के लिए तैयार है और साथ ही अभी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं और उनके द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो अमरदीप सिंह द्वारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक सरदार दिलराज सिंह और मुझ पर जो आरोप लगाया गया है, समिति उसको पूरी तरह से नकारती है और किसी भी प्रकार का कोई गबन नहीं हुआ है। हम सारे कागज सीओ सिटी को उपलब्ध करा देंगे और 2-3 दिन में दूध का दूध और पानी का हो जाएगा। बात यह है कि अभी तक सीओ से हमारी वार्ता नहीं हो पाई, चूँकि नई आईपीएस हैं, वो चीज़ों को समझ रही थी, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हम परसों भी गए थे, आज का उन्होंने समय दिया है। आज ही जाकर हम उनको बैंक के वो कागज, 17 लाख के पैसे जमा के कागज, अपना कैशबुक लेजर, जिसमें वो जो 113 चेक है, किस किस आदमी को पेमेंट हुई है, किस किस आदमी को पेमेंट ली गई है, वो सारा विस्तार से उन्हें दिखा देंगे और मामला खत्म। बिल्कुल झूठे आरोप हैं और मैंने उन्हें चुनौती दी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, 32 लाख की जगह अगर 35 पैसे का गबन मुझ पर या अध्यक्ष जी पर साबित होगा, मैं अपने सभी सामाजिक संस्थाओं जितनों से जुड़ा हूँ तुरंत तत्काल त्यागपत्र दूंगा, तराई छोड़ दूंगा। जिस पहले आप किस प्रकार की आप खाली सोशल मीडिया पे चलेंगे क्या? अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सबसे पहले उसकी पूरी जाँच कराएंगे, हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है। जाँच पूर्ण हो जाने के बाद जब उनके आरोप असत्य सिद्ध हो जाएंगे, तो अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से भी उन पर कार्रवाई करेंगे और समिति भी उन पर मानहानी का दावा करेंगे। कोषाध्यक्ष नहीं, चूँकि हमारा पैसा हमें मिल गया था और समिति की पिछली साधारण सभा में जिसमें लगभग 90 से 100 सदस्य उपस्थित थे, उसमें यह तय पाया गया कि पैसा लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मिल गया और उन्होंने उस पर संतोष व्यक्त किया। कहीं ना कहीं बैंक ने लापरवाही की, तभी तो 17 लाख रुपये दिए। क्या कोई भी आदमी किसी को 17 पैसे भी देता है, 17 रुपए भी देता है? 17 लाख रुपए 15 तारीख से लेकर और 17 जून तक 2 दिन में पैसे बैंक ने जमा किए, कर्मचारियों ने अपने घरों से जमा किए। अगर लापरवाही नहीं होती तो बैंक को जमा करता। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रबंधक रविंद्र चंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने पर सोमवार को कंपनी के कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से उनकी विदाई देते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया तथा फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया। रविंद्र चंद शर्मा 1988 से ईस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड खटीमा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 36 वर्ष 3 माह के लंबे समय तक खटीमा में सेवा के बाद शर्मा सेवानिवृत्त हुए। विदाई कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। वहीं कंपनी कर्मचारियों ने रविंद्र चंद शर्मा के कार्यकाल के दौरान उनके व्यवहार, कुशलता, कार्यशैली, योगदान तथा कंपनी की प्रगति के लिए किए गए संघर्षों की सराहना एवं प्रशंसा की। खटीमा से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ पे कौन से पोस्ट पे सर? मैं यहाँ पर मैनेजर था जी सर। पूरा काफ़ी अच्छा रहा, मैंने यहाँ पे बहुत डिफरेंट जगह पर काम किया जी सर। हाँ, लेकिन मैंने कभी भी काम को किसी भी काम से पीछे अपने को नहीं देखा। मैं जो भी मेरे को ऑनती थी वो सब प्रूव करके देखा। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरे को आता नहीं है, नहीं जाता या मैं नहीं कर सकता, है ना। मैंने सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाई अपनी टर्म। सारे वर्कर्स आप देख ही रहे हैं मेरे साथ, तो सारे लोग एज ए फैमिलियर ही हैं सारे। जो कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब समझते हैं कि भाई मैंने कंपनी का डिवोटेड आदमी रहा हूँ। तो मैं इससे अच्छा दिन कहाँ होगा जिसको 36 साल बाद आदमी एक ही कंपनी से रिटायर हो रहा हो 36 साल की। जी जी सर। तो इसलिए लगभग 20 साल से शर्मा जी को 20 साल से जानता हूँ। हसमुख है, बहुत ही बढ़िया काम इनका रहा है। जब भी कोई जिम्मेदारी दी है बड़ी आराम से उसको निभाया है। किसी भी तरह की पेपर से रिलेटेड या सर्विस एंट्री से रिलेटेड कोई भी वो होता था, फटाफट से पूरा करते थे और बढ़िया नेचर के, कंपनी के लिए बढ़िया काम किया इन्होंने सर। देखो ये तो एक सत्य है कि जो आया वो जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात है, बिना कोई बीच में रुकावट आए, कोई दाग लगे, 36 साल की जो नौकरी यहाँ से करके जा रहा है, एक रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक ही कंपनी से इतने लंबे समय के बाद रिटायरमेंट ले की कामना करते हैं। जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, अपनी नई पारी शुरू करें
आपका शुभ नाम? चंद्रपुर का। रोज इधर आओ ना तुम। ये सर के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने इंटायर कैरियर इस इंडस्ट्रीज में गुजारा, एक ही इंडस्ट्रीज में रह के, और एक मतलब बहुत ही नीचे लेवल से स्टार्ट करते हुए बहुत ही हायर लेवल तक पहुंचे, और इनकी जो काम की सराहना की जाए जितनी की जाए उतनी कम है। मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जब भी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें सर से मांगी या शेयर की या कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए बोला, सर ने उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ये ध्यान रखें और इसी तरीके से अपनी लाइफ की जो दूसरी पारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ने लग गए। थैंक यू सर। उत्तराखंड बीजेपी की आज दिल्ली में अहम बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें इसमें केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय जनता के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। आज शाम 8 बजे से यह बैठक शुरू होकर जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी रोशन गौतम एवं राष्ट्र महामंत्री BLO BL संतोष आदि भी उपस्थित रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। टिहरी जिला मुख्यालय के बौराड़ी में पैदल घूम रही महिला और उसकी दो भतीजियों को एक वीडियो ने एक निजी कार से कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कार की चपेट में आए दो अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP JR जोशी ने बताया कि सोमवार देर शाम बौराड़ी निवासी 36 वर्षीय रीना नेगी पत्नी रविंद्र सिंह नेगी अपनी भतीजियों 10 वर्षीय अग्रिमा व 7 वर्षीय अवंतिका पुत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ नगर पालिका कार्यालय रोड पर घूमने निकली थी। इस दौरान करीब 7 बजे वहां से गुजर रहे जाखड़ीधार के BDO DP चमोली की कार ने तीनों को कुचल दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SO योगेंद्र गोसाई ने बताया कि मेडिकल में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना पुलिस और SOG की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने कर्नाटक के बेंगलोर से 25,000 के फरार इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर जिले के SSP मंजुनाथ TC ने रुद्रपुर स्थित पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि वर्ष 2023 में गदरपुर थाने में दर्ज हुए दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी हारून उर्फ बाबू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम और SOG की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। अब टीम के द्वारा आरोपी को कर्नाटक के बेंगलोर जिले से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की गई है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। साथियों, एक पिछले साल जो है 7/1/2023 को एक वारदात पंजीकृत हुआ गदरपुर थाने में। इट इज नो डाउट इट्स नॉट अ हीनस ऑफेंस नहीं था। घरेलू हिंसा, झगड़ा, मारपीट और गाली गलौच और दहेज मांगना का था, परंतु वो आदमी FIR होने के बाद जो है विवेचक के मतलब एक तरीके से दायरे से बिल्कुल बाहर होते हुए विवेचक के सामने अपीयर भी नहीं हुआ, कभी कोऑपरेट भी नहीं किया, कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अतः नियमानुसार उसके ऊपर जो है 82-83 NBW BW सारी कार्रवाई वो भी ली गई, और इधर से एक तरफ दूसरी तरफ से हमने पुलिस का इनाम करने का कार्रवाई भी कर ली। तो आज जो है 25,000 का इनाम राशि भी घोषित किया गया था, आज जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वो बैंगलोर में जाके अपना सभी को चकमा देते हुए नई शादीशुदा ये सब करके बढ़िया तरीके से अलग जिंदगी ही जी रहा था, तो उसको पकड़ के हमने वापस जो है न्यायालय के सामने हमने। सोमवार को लोहाघाट से दिल्ली के लिए 18 सवारी लेकर चली बस लोहाघाट बस स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर चलकर मानेश्वर के पास बंद हो गई और बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। इंजन से धुआं निकलते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया और यात्री दरवाजा खोल बाहर निकल आए। चालक ने किसी तरह बस को काबू पर किया तथा यात्रियों को दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान को रवाना किया। वहीं परिवहन निगम की सेवा को देख यात्रियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं बस के परिचालक जाकिर अली एवं चालक सुरेश आर्य ने बताया शॉप में बस की विधिवत सर्विस नहीं हो पा रही है, नए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण बसों को सड़क पर चलाना जोखिम भरा हो रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अच्छा, सामान मिल ही नहीं रहा है और जो आ भी रहे हैं तो लोकल वाले आ रहे हैं। अभी कितने यात्री थे इस बस में? अभी इसमें सर 18 यात्री थे। अच्छा, क्या हुआ है बस में? सर इसमें इंजेक्टर पाइप फट गया है इसका। अच्छा, 18 यात्री मतलब एकदम जब पाइप फटा होगा तो धुएं के साथ घबरा गए होंगे। जी घबरा गए थे। अच्छा, तो अब क्या किया उन यात्रियों का? अब यह है कि जो लोकल की पीछे वाली गाड़ी आई उसकी उनकी व्यवस्था की गई, उन्हें भेजा गया और बाकी अभी हेल्प मांग रखी है, वो आ रहे हैं इंजेक्टर पाइप लेके वो बदल।
स्कूल से निकलने के 4 किलोमीटर बाद बस का खराब होना अपने आप में जिन सपनों को लेकर हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, आज वहाँ के उत्तराखंड वासियों को ऐसी फजिया झेल रहे हैं और उनके सपनों पर जो कुठाराघात हो रहा है उससे बेहद आहत है हम। जिले के बाराकोट ब्लॉक का रेगरू चमेल लिंक मोटर मार्ग वाहन चालकों व यात्रियों के लिए जानलेवा बना है। बदहाल मोटर मार्ग में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सोमवार को बाराकोट मंडल के भाजपा महामंत्री अजय बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया, वर्षों पहले सड़क में डामरीकरण का कार्य किया गया था जो कि अब पूरी तरह से उखड़ चुका है। सड़क पूरी तरह रोखड़ में तब्दील हो चुकी है तथा कई बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो चुके हैं, जिस कारण सड़क में कभी भी दुर्घटना होकर जनहानि हो सकती है। अजय बिष्ट ने कहा, पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क में डामरीकरण की मांग कई बार की गई पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चौमेल और रेगड़ू जो मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। लगभग 8-10 साल पहले इसमें डामरीकरण का कार्य हुआ था, तब से लेके अभी तक नहीं हुआ है। इसमें जो है नाली वगैरह से लेके सब चीज़, क्योंकि जब आपदा या मानसून का समय आता है तो और पूरी तरह रोड बह चुकी है और कई जगह कितनी गाड़ियों की उसमें दुर्घटना भी हो चुकी है, बाइक वाले कई बार गिर चुके हैं। जो चौमेल और रेगड़ू का ये लिंक है, लगभग 2-3 किलोमीटर का लिंक है ये, इसको ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। इसमें जल्द से जल्द नई तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि जिसमें आवाजाही लगातार बहुत ज़्यादा होती है और लेकिन स्थिति ऐसी है कि लोग उसमें डरते हैं, महिलाएं स्कूटी वगैरह लाने से डरती हैं और कई बार लोग वहां पर दो लोग होने पर भी उतर के एक को उतार के चलते हैं। ऐसी स्थिति वाली सड़क है। मैं पीडब्ल्यूडी से कहना चाहूँगा कि आप इस निर्माण के रखरखाव के लिए जल्दी से जल्द इसमें कार्य करेंगे। नहीं, वो बंद पड़े हैं कई जगह ऐसी है तो, और जो एक जगह कोच बना हुआ है वो बहुत ही गलत जगह बना हुआ है, वो लगातार दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। और नालियां भी बहुत जगह पूरी तरह से लगभग बंद हुई हैं, मलबा गिरा है कई जगह कई टाइम पहले से, लेकिन उसमें अभी तक कोई देखरेख पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं हो पाई। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सरदुली रेंज में गश्त कर रहे एक बंदरोगा पर नदी पार करने के दौरान मगरमच्छ ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कर्मी को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सर्पदुली रेंज के रेंजर बिंदरपाल ने बताया कि मंगलवार की सुबह 55 वर्षीय बंदरोगा अब्दुल सलाम 4 अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर निकले थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच खिनानौली बीट के समीप सभी कर्मचारी रामगंगा नदी पार गश्त करने के लिए नदी को पार कर रहे थे। इसी बीच अचानक मगरमच्छ ने अब्दुल सलाम पर हमला बोल दिया। मगरमच्छ के हमले के बाद उक्त कर्मचारी ने जब शोर मचाया तो साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने अब्दुल सलाम को मुश्किल से मगरमच्छ से छुड़ाया, लेकिन तब तक मगरमच्छ द्वारा अब्दुल सलाम के शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। वहीं घायल बंदरोगा को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। रेंजर ने बताया कि घायल वनकर्मी का उपचार चल रहा है तथा उसकी हालत में सुधार है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज सरतुली रेंज में खिनानौली बीट जो हमारा क्षेत्र है उसमें रामगंगा नदी को पार करते समय गश्त के दौरान ये क्रोकोडाइल ने हमारी फॉरेस्टर हैं बंदरोगा अब्दुल सलाम उनके ऊपर हमला किया और ये पूरी गश्ती टीम गश्त करने जा रही थी पार वाले क्षेत्र में, गंगा के पार वाले क्षेत्र में, तो क्रोकोडाइल ने उनको पकड़ करके बाइट किया है। मतलब ये है कि ज़्यादा घायल नहीं हुए, उनकी जान बच गई और उनको तत्कालीन उपचार के लिए रामनगर चिकित्सालय में लाया गया है। अभी वो सुरक्षित हैं, उनकी उपचार चल रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी तथा बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। गौरव चटवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरसात के मद्देनजर राजपुर गाँव में बाढ़ चौकी बनाई गई है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात हो गई है और जब तक ये आपदा काल रहेगा तब तक ड्यूटी भी जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त तहसील में बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया है और ड्यूटी तैनात कर दी गई है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। राजपुर में पूर्व की भांति बाढ़ चौकी की स्थापना की गई है और उसमें जो है जब तक ये आपदा काल रहेगा तब तक के लिए ड्यूटीज भी लगा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त तहसील में जो है आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है और उसमें भी जो है 24/7 ड्यूटी लगा दी गई। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग ने भी जो प्राथमिक कार्य कर सकते थे, जिसमें जो है सिल्ट हटाना और कुछ जो पूर्व की भांति कुछ काम थे उन्होंने वो कर दिए हैं और उस पर अभी भी कुछ कार्य वो करने वाले हैं, जिससे जो है आने वाले समय में शायद जो है अगर पानी
ज़्यादा आता है फेकर नदी में, और जिससे जो उस गांव को नुकसान पहुंचता है वो कंट्रोल रहेगा। और इसी तरह सभी डिपार्टमेंट्स को भी पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि वो जो भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे, और जनता को जितनी भी अधिक सुविधा मिल सकती है वो हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी के बनपुरपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से 4 दिन पहले लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों के घर आज विधायक सुमित्र देश पहुंचे, जहां विधायक सुमित्र देश ने लापता बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उनके द्वारा इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की गई है, और SSP खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा के कुछ अनुसांगिक संगठन इस मामले में बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। आखिर ये लोग अंकिता भंडारी मामले में कहां गायब थे? उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर दोनों बच्चियां सकुशल घर नहीं आती हैं तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कल इस मामले को लेकर DIG से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी से 4 दिन पहले दो नाबालिग बच्चियां लापता हुई थी, और समुदाय विशेष के युवक पर बच्चियों को ले जाने का आरोप है। वहीं पुलिस इस मामले में कई टीमें लगाकर छानबीन में जुटी हुई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पर वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराए कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पर ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते ले गए, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे, और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहाँ पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें वहाँ अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियाँ हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें, या VIP का खुलासा की अगर ये मांग करें, तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच। परिजनों को किस तरह का ढांढस बताया अभी आपने मिलकर? देखिए, मेरे मैं परिवार वालों को जानते हैं, आज से नहीं 50 साल पहले से यहाँ रहते हैं, और पुराने लोग हैं, और वो कह ही रहे थे कि हम आज आपके पास आने वाले थे, अच्छा हुआ आप ही आ गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं आया हूँ, और 24 घंटे में अगर बच्चे यहाँ नहीं आती हैं तो कल कांग्रेस का एक शिष्टमंडल, क्योंकि हमें पता है तरीका क्या है, हाउ हल्ला हंगामा करने से अगर हमारी बच्चियां लौट आएं तो हंगामा सबसे पहले कांग्रेस करेगी, लेकिन हंगामा इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब यह है कि पुलिस तुरंत से तुरंत अपनी कार्रवाई करे, अपना कार्य करे, और हमारी जो बच्चियां हैं, वो केवल इनकी बेटियां नहीं, पूरी हल्द्वानी की बच्चियां हैं, सुरक्षित तौर पर इनके घर पर पहुँचा दी जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से।